वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज सैटरडे है और सैटरडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है, तो जिसके कारण आज मैं भी रेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो शाम में सिस्टम पे बैठेंगे और मंडे का मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे, तो वो शाम की बात है। तो आज सैटरडे है इसलिए रेस्ट ले रहे हैं। तो आज हम चलेंगे बाहर, तो आज हम बाहर का वीडियो बनाएंगे अपना भागलपुर का। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बाहर चलते हैं तो फिर मैं आपको भागलपुर का कुछ अच्छा अच्छा मतलब चीज़ दिखाते हैं बाद में। कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी चाय आ चुका है, अभी चाय पियेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं स्नान वगैरह करके खाना पीना खा के कहाँ चलते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। गाइस कल वाला वीडियो पब्लिक कर दिए हैं, जाइए आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज ऐसे भी स्टॉक मार्केट बंद है तो आज कोई काम है नहीं, तो अभी जा रहे हैं स्नान करेंगे खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर आज भागलपुर निकलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे आपको हम मतलब अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं, देखते हैं कहाँ का इस वीडियो बन पाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं। हाँ क्या बोलते है कंपनी, हाँ उसमें कि नहीं सब लोग इधर पे अठारह गाड़ी 18 इंच के टायर वाली चढ़े बनारस से लखनऊ जब हो भगतपुर का कौन सा चौक है आप कमेंट करके बताइएगा। और नाइट में एक अलग ही मतलब वाइब मिलता है भाई, बहुत ही खुशी। ये है भागलपुर का ऐतिहासिक धरोहर भट्टा घाट, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस ये है भागलपुर का सबसे व्यस्त चौक घंटाघर चौक। इस जगह पे अगर आप दिन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक लगा हुआ रहता है, क्योंकि अभी क्या है ना भागलपुर में इतना भाई टोटो हो गया है, टोटो के कारण हर एक चौक पे आपको जाम मिलेगा, हर एक चौक पे जाम। अभी तो रात्रि के 8:30 बज गया है, तो इसके कारण तो अभी भीड़ नहीं है, तब पर भी तो अपना काम धाम खत्म करके घर जा रहे हैं। तो भाई भागलपुर का होने पर इतना करेगा ही। और ये है भागलपुर का भागलपुर घंटाघर चौक का संकट मोचन दरबार। जय श्री राम। भाई संध्या आरती हो रहा है यहाँ पे, करके घर जा रहे हैं। तो पैदल ही जा रहे हैं, आपको भागलपुर का जो मार्केट एरिया है वो भी आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आज गुरु पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में सभी जगह
भगवान विष्णु का प्रतिमा बैठा हुआ है नारायण। क्या बना है खाना में? खाना में बना है कढ़ी रोटी। रोटी और कढ़ी, इसमें कढ़ी है। तो कढ़ी का इस दिन का ही है, तो बच गया था तो उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो कढ़ी रोटी अभी का वाला रोटी, हमारे प्याज का रोटी अभी ऐसे नाश्ता के लिए। तो थोड़ा देर बाद खाना खाएंगे, अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। प्याज वाला रोटी नाश्ता किए हैं, अब थोड़ा देर में खाना खाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। टाइम मतलब क्या, प्याज वाला रोटी खा लिया ना तो थोड़ा सा अभी भूख शांत हो गया, तो थोड़ा देर में खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल, कल संडे है तो कल देखते हैं, कल कुछ अच्छा ब्लॉग आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, तब इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करिए और थोड़ा शेयर भी किया करिए वीडियो को, क्योंकि कल संडे है तो संडे को हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। मे बी बिल्कुल ही कल अच्छा कंटेंट हम लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।